पेट्रोल डीजल रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। रांची में राजभवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, प्रवक्ता आलोक दुबे समेत सैकड़ों लोग मौजूद हैं। जो देश के लोगों को जो पेट्रोल डीजल गैस का उपयोग करते हैं, घर घर में करते हैं, हर 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 घर में मोटरसाइकिल है, लगभग गैस का चूल्हा है ना, ये सब के घर में है, सब घर प्रभावित हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, इससे मूल्य वृद्धि होगी, है ना, दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरे अनाजों के भी मूल्य वृद्धि हो जाएगी। अब किसान लोग डीजल खरीद करके सिंचाई का काम करते हैं, अब उनका लागत बढ़ जाएगा तो मूल्य बढ़ाना पड़ेगा उनको, चावल का, गेहूं का, सब्जियों का, तो पूरी अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात कांग्रेस का मजाक उड़ाया करते थे, उस समय देश में शासन कांग्रेस का था, यूपी सरकार थी, मजाक उड़ाते थे दो चीज़ के लिए। एक चीज़ था कि रुपये का कीमत मूल्य घट रहा था, 70-71 हो गया था डॉलर के तुलना में, तो बड़ी हंस रहे थे आदरणीय मोदी जी, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का जितना उम्र है उतना ही मूल्य हो गया है गिर करके। भाई प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री का तो कितना एज है, 69-70 शायद हो रहा हो, और 77 कैसे पहुंच गया, अपने उम्र से भी ज़्यादा गिरा दिए ये रुपया को। रुपये के मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय जगत में डॉलर की तुलना में अपने उम्र से भी ज़्यादा